हेलो दोस्तों, मैं आकाश शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों से घिरा उमरिया जिला के बारे में। मित्रों, उमरिया जिला चारों ओर से हरे भरे वनों से लाभान्वित है। यहां आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या पाई जाती है। यहां के आदिवासी वन क्षेत्र में पर्यावरण के साथ रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं और पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखा है। दोस्तों, उमरिया जिला गठन 6 जुलाई सन 1998 में शहडोल जिला से अलग करके बनाया गया था। दोस्तों, उमरिया जिला पर लोधी राजपूतों तथा मालगुजार का शासन हुआ करता था। उमरिया हमेशा से कई राजकुमारों और राजाओं के लिए एक पसंदीदा शहर था, क्योंकि यहां पर घने जंगलों और बाघों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, वर्तमान में उमरिया जिला का कुल क्षेत्रफल 4548 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए है, जिसके अंतर्गत 1383.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फसली और 2022.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है। दोस्तों, उमरिया जिला पूर्व में शहडोल जिले से, दक्षिण में डिंडौरी व अनूपपुर जिले से, पश्चिम में कटनी जिले से तथा उत्तर में सतना जिले से घिरा हुआ है। मित्रों, उमरिया जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लाख उत्पादन करने वाला जिला है। दोस्तों, बात प्रशासनिक सेवाएं की करें तो मैं आपको बता दूंगी, उमरिया जिला के अंतर्गत 7 तहसील बांधवगढ़, मानपुर, पाली, बिलासपुर, नौरोजाबाद, चंदिया, करकेली तथा 7 ब्लॉक, 234 ग्राम पंचायत व 683 ग्राम आते हैं। दोस्तों, बात करें जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना अनुसार उमरिया जिला की कुल आबादी 6,44,758 है, जिनसे से महिलाओं की आबादी 3,14,084 तथा पुरुषों की आबादी 3,30,674 है। वही इस जिला का सेक्स रेशियो 150 महिला प्रति 943 पुरुष है, जो उमरिया के इतिहास को यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते हैं। जबकि इस जिला का जनसंख्या घनत्व 158 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का है। दोस्तों, धर्म के आधार पर जनसंख्या विभाजन करे तो उमरिया जिला में हिंदू 96.24%, मुस्लिम 2.48% तथा बाकी के लोग अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, उमरिया जिला तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई जहाज के जरिए उमरिया तक पहुंच सकते हैं। बात करें सड़क मार्ग की तो सड़क परिवहन के साधन से उमरिया पहुंचना चाहते हैं तो यह उमरिया कटनी, जबलपुर, शहडोल, भोपाल से मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मार्ग से होते हुए उमरिया पहुंच सकते हैं। वहीं बात करें रेल मार्ग की तो दोस्तों, रेल मार्ग द्वारा शहडोल, कटनी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर से उपलब्ध है। आप जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कर वहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर उमरिया पहुंच सकते हैं। बात करें वायु मार्ग की तो हवाई जहाज के साधन से उमरिया जाना चाहते हैं तो यहाँ कोई फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है। आपको जबलपुर या खजुराहो हवाई अड्डे का चुनाव करके आप उमरिया तक पहुंच सकते हैं तथा उमरिया में हेलीपैड उपलब्ध है। दोस्तों, उमरिया जिला का कुल साक्षरता दर 65.89% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.02% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 55.23% के लोग पढ़े लिखे वर्ग के है। दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उमरिया जिले में कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान मौजूद है, जहां उमरिया के टॉप स्कूलों में रॉबर्टसन कॉन्वेंट विद्यालय उमरिया, कोरल एकेडमी विद्यालय उमरिया, आईपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल उमरिया, केंद्रीय विद्यालय उमरिया, नेहरू कॉन्वेंट विद्यालय उमरिया, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी विद्यालय उमरिया, गवर्नमेंट सज्जन एक्सलेंस विद्यालय उमरिया आदि है। जबकि कॉलेजों में रणविजय प्रताप डिग्री कॉलेज उमरिया, विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज एंड साइंस उमरिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरिया, डीएट कॉलेज उमरिया, माखनलाल चतुर्वेदी डीसीए कॉलेज उमरिया, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज उमरिया आदि यहां के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। दोस्तों, उमरिया जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। यहां के प्रमुख स्थलों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, उमरिया जिले में 448.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है। वर्ष 1968 में स्थापित इस उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है
इसके अलावा उमरिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बांधवगढ़ का किला, शेषय्या उमरिया, सदगुरु कबीर गुफा मंदिर उमरिया, बाणसागर बांध उमरिया, पनपथा वन्य जीव अभयारण्य उमरिया, माँ बिरासनी देवी मंदिर पाली उमरिया, माँ ज्वाला धाम शक्तिपीठ उचेहरा उमरिया आदि प्रमुख है। दोस्तों, उमरिया जिले में मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी 98.35%, गोंडी 0.94% और सिंधी 0.26% है। दोस्तों, उमरिया जिला एक कृषि प्रधान जिला है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। उमरिया में धान और सहजन का भरपूर उत्पादन होता है, जो कि दूसरे राज्यों को भी निर्यात किया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2017 से 2018 के लिए उमरिया जिले का श्रम बल भागीदारी दर 41.8% है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 63,792 रुपए है। जिले में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है, और इसके परिणाम स्वरूप जिले में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड नौरोजाबाद द्वारा 8 खदानें संचालित की जा रही है। जिले के पाली में संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन भी मौजूद है। मित्रों, बात अपराध दर की करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उमरिया जिले में 2018 में अपराध दर 220.70 रहा था, जो कि एक बेहद ही चिंता का विषय है। तो दोस्तों, उमरिया जिला आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।